आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष। आप देख रहे हैं तीर्थंकर चैनल जैन धर्म का उद्घोष।
विचार करें आप, क्योंकि इन कर्मों का आगमन तो
प्रति पल प्रति क्षण चल रहा है। एक जगह हमने बहुत सुंदर भक्ति पढ़ी थी, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है, शुभ या अशुभ आपको सोचना है। कर्म का आश्रव तो हम सभी का प्रतिपल प्रतिक्षण चल रहा है, और आप लोगों को बताया है पहले भी कि अभक्त जीवों से अनंत गुणी और सिद्ध जीवों के अनंतवे भाग, कर्म परमाणुओं का आगमन प्रतिपल प्रतिक्षण चलता रहता है। अब वह कर्म परमाणु परमाणु जो है आश्रव के रूप में आ रहे हैं, शुभ है अथवा अशुभ, क्योंकि शुद्ध की तो बात आप सोच ही नहीं सकते हैं। श्रावक के लिए कभी शुद्ध उपयोग तीन काल में भी होता नहीं है। यह शुद्ध उपयोग तो किसको होता है? मुनि महाराज को होता है। आचार्य भगवान शुभचंद्र जी महाराज ने ज्ञानवर्णो ग्रंथ में लिखा, बहुत गजब की बात लिखी, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो सकती है, बंध्या स्त्री के भी पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, गधे के भी सींग लग जाए, किंतु कभी भी गृहस्थ को शुद्ध उपयोग नहीं हो सकता है, ध्यान नहीं हो सकता है। ये आचार्य शुभचंद्र जी महाराज ने ज्ञानवर्णो ग्रंथ में लिखा। तो शुद्ध उपयोग की तो आपको गंध भी नहीं आ सकती है गृहस्थों को। आचार्य कुंद देव ने भी लिखा है, विषय कसाय रखता नाम गृहस्था नाम शुद्ध उपयोगो अवकाशा नास्ती, एक प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है। किंतु आज वर्तमान में कुछ उल्टी धारा चल रही है, लोगों ने आचार्य भगवान के कुंद देव के भाव को नहीं समझा, और कुछ लोग ऐसा धारणा बना ली कि नहीं हमें तो घर में भी वह शुद्ध आत्मा की अनुभूति थोड़ी बहुत तो हो सकती है जो मुनि महाराज को होती है, तो ये उनकी गलत धारणा है, गलत उनका भ्रम है। इस धारणा में नहीं रहना। यदि आप शुद्ध को प्राप्त करना चाहते हैं तो कहा है कि ग्रंथ भी शुद्ध की भावना पा सकता है, तो मुनि महाराज को भी कहा है, क्योंकि शुद्ध उपयोग में मुनि महाराज भी मात्र एक अंग का लक्षण है। और घर से जब यहाँ आता है तो यही सोचता है कि भगवान अब मैं मंदिर जा रहा हूं, पर घर में आना ना पड़े, ऐसी परिणति मेरी कब बन जाए। ऐसे भाव होते सम्यक दृष्टि के, ऐसे भाव उस भरत चक्रवर्ती की हुआ करते थे। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई कि वास्तव में भरत चक्रवर्ती घर में रहते हुए भी छटपटाता रहता है कि मैं कब जाकर के दीक्षा ग्रहण करूं, भगवान कब आप जैसे रूप को प्राप्त करूं। ऐसे भाव उपासना उसके अंदर चलती रहती थी। और अपन क्या करते हैं, अपन लोगों की हालत क्या है, मंदिर में आ भी जाते हैं किंतु छटपटा है, कुकर की सीटी महिलाओं के कान में बजती रहती है, यहाँ बैठे बैठे भी, और घर गृहस्थी की जंजाल माया दिखती रहती है यहाँ पर बैठे बैठे भी, तो हम भरत चक्रवर्ती जैसे बैरागी कैसे हो जाएंगे। जो व्यक्ति ये सोचता हो कि आराम से भरत चक्रवर्ती जैसे ठाट बाट को घर में ही भोगते रहे बैठे रहे और अंतर मोह में हमारा भी कल्याण हो जाएगा, तो तीन काल में भी ऐसा हो नहीं सकता, ध्यान रखना। और उस भरत चक्रवर्ती के पूर्व हवाबली को देखो, उनकी महापुरुषों की पूर्व हवाबली को देखेंगे तो कितने कितने जन्मों से वह किस प्रकार से अपनी उनकी क्रियाएं उनके भाव रहे हैं। कई बार भरत चक्रवर्ती पहले मुनि बना होगा, पढ़ो उसके आदिनाथ पुराण में, पढ़ो उसके भाव को, और भरत चक्रवर्ती कहां से आया ये भी विचार कर लो। ये संस्कार भी तो हुआ करता है, अनेक जन्मों का संस्कार तो था ही, चाहे वो आदिनाथ भगवान हो चाहे भरत चक्रवर्ती हो। अधिकांश लोग नरक प्रेत से आए और नरक प्रेत में ही जाना है, ये तय है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ऐसी है। जो कुछ लोग आज ऐसा कहने लगे तो वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आपको, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों के लिए जो ऐसे लोग हैं जो मंदिर में आते ही नहीं, वो लोग भी ऐसे उलाहना देने लगे हैं कि जो मंदिर में जाने वाले लोग हैं वो कौन सा तीर मार रहे हैं। मंदिर में जाकर के तो बन जाते हैं पुजारी,
और यहाँ पर घर में आकर के बन जाते हैं शैतान। इनकी प्रवृत्ति भी लोग जो मंदिर में जाने वाले लोग हैं, इनकी प्रवृत्ति कैसी है हम जानते हैं, उस बगुले की तरह है। जो बगुला खड़ा है तालाब के किनारे एक पैर पे खड़ा है और देख करके राम लक्ष्मण सीता जा रहे थे। सीता जी ने कहा, देखो श्री राम, ये बगुला भी कितना अच्छा ध्यान लगाए हुए है। राम ने कहा, सुनो सीते, तुम इस बगले की मायाचारी नहीं जानती हो। ये बगला ऐसे ध्यान अवस्था में इसलिए खड़ा है कि तालाब में रहने वाली मछलियां सोचे कि देखो बगला तो ध्यान में खड़ा है, अपन थोड़ा ऊपर आकर के धूप ले लो, बढ़िया थोड़ा ऊपर का आनंद ले लो। और जैसे ही ये देखेगा बगला और मछली को और निशाना साथ देता है मछली के ऊपर। ऐसे ही बहुत सारे लोग आप लोगों के बारे में भी शक करने लगे और कहने लगे हैं, और कह रहे हैं तो आपकी प्रवृत्ति वैसी होती होगी, उन्होंने देखा होगा जब तो कहते हैं, ऐसे नहीं होता। तो आचार्य भगवान का एक बहुत सुंदर हाइको है, उसको सुना करके मैं अपनी बात पूर्ण कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आज आपको विधान भी 200 अर्घ चढ़ाना है, 256 चढ़ाना है, अर्घ की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे लोग सतर्क हो जाए, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, अपनी दो आंखें हैं किंतु अपनी ओर कितनी हजार, सतर्क हो जा। तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। व्यक्ति सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, अपन तो दो ही आंखों से देखते हैं किंतु अपन को देखने वाले हजार व्यक्ति हैं, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है आपको। गजब की बात एक कल सुनने में आई, सारे लोग सावधान हो जाएं, ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। उन घटनाओं को आपको डायरेक्टली तो इनडायरेक्ट बताने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप लोगों को बार बार हम कह रहे हैं कि समझ जाओ जैनी लोगों, किंतु समझ नहीं रहे। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने बहुत बड़ा एक काम कर दिया, किंतु जैनियों की अकल में भूसा भरा है तो भरे ही है, वो समझ में नहीं आ रही उनकी बात। और आए दिन हमारे जैन धर्म पर बहुत बड़ा कुटारा घात हो रहा है। क्या जानते हो आप, क्या समझते हो आप लोग, आज से 1200 पहले जैन समाज की जो संख्या थी ना, करोड़ों में कम से कम 14 से 15 करोड़ जैनी थे इस भारत वर्ष में, आचार्य भगवान अमोघ वर्ष के समय में, जो आपको हमने वह प्रश्नोत्तर मार्ग का ग्रंथ पढ़ाया था ना, जो आचार्य अमोघ वर्ष जी ने लिखा है, उस समय उन्होंने लिखा कि 14 से 16 यानी करोड़ जैनी थे उस समय में। भारत जब स्वतंत्र हुआ है औरंगजेब वगैरह के पहले, मतलब तो उस समय भी कहते हैं कि 4 करोड़ जैनी थे। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय बहुत सारे जैनों की संख्या घट गई, और सारे जैनी जो पाकिस्तान में थे उनको वार्निंग दी गई कि या तो आप पाकिस्तान में छोड़ो या तो पाकिस्तान को, या फिर जैनी नहीं तो मुस्लिम बन जाओ, कि अपना धर्म छोड़ो। करोड़ों की अरबों की संपत्तियां थी लोगों की, बहुत सारे जो धर्म के प्रति जिनको आस्था थी वो तो जैसे तैसे आ गए यहाँ पर, और सारे लोभी लोग रहे वहीं पे, जो धर्म ग्रहण करना पड़ा वही धर्म ग्रहण कर लिया, और नहीं आ पाए, मजबूरी नहीं कुछ रही, और आज मुट्ठी भर जैनी बचे। दिगंबर स्वतंबर को मिलाकर के 50 लाख ही मुश्किल से, ये क्या हो रहा है? और अभी भी वर्तमान में जैनों की संख्या घट रही है। क्यों घट रही है? सावधान हो जाओ जैनी लोग, आपकी जैन समाज की धरोहर बाहर जा रही है और आप सोए हुए हो, और रईस लोगों के घर से, आपकी रईस लोगों के घर की बच्चियां जा रही हैं बाहर, यहां तक कि शेड्यूल कास्ट में भी जा रही है धड़ल्ले से। और रईस माता पिता, हाँ हम तो अपनी बच्ची को
बढ़िया वीआईपी स्कूल में पढ़ाएंगे जहां पर सब सुविधाएं हैं, धरी रह जाएगी आपकी वीआईपी को सुविधा। जब आपका वो काला टीका आपके माथे पर लगा करके बच्चियां चली जा रही हैं आज, तो फिर आपकी वीआईपी पढ़ाई और वीआईपी सुविधाएं सब कहां जा रही हैं? अब क्या होगा बोलो? जिंदगी भर आपको रोना ही रोना है, सावधान थोड़ा हो जाए। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, आज इस वर्तमान उच्च शिक्षा ने सारी की सारी संस्कृति को बिल्कुल ध्वंस कर दिया है और हमारी जैन समाज की दुर्दशा प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण हो रही है। ध्यान रखना, कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है कि हमारा नामो निशान मिट सकता है, ऐसी चलेगी परंपरा को। आप लोगों को थोड़ी सावधान होने की आवश्यकता है, थोड़ी जागृत होने की आवश्यकता है, भारतीय संस्कृति जो है उसको समझने की आवश्यकता है दिल्ली वालों, और उसको बचाने के लिए मैं समझता हूँ आज वर्तमान में आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जो काम कर सकते हैं, जो वो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, और किसी वीर पुरुष का ये साहस नहीं, और वो काम ये जो हम बता रहे हैं आपको बचाया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस दिल्ली जैसी महाराजधानी में आचार्य भगवान ने जो प्रतिभा स्कूल खोलने का आशीर्वाद दिया है वो इस दिल्ली में खुले, क्योंकि दिल्ली वाले अपने बच्चों को बाहर भेजने में तो माता पिता का कलेजा कांप रहा है, किंतु दिल्ली में यदि ऐसा स्कूल खुल जाता है कहीं पर, तो दिल्ली वाले साहस कर सकते हैं कि वे दो दिन में चार दिन में हम वहीं मिलाएंगे स्कूल में, क्योंकि आज ऐसी मोह ममता ऐसा बढ़ गया है लोगों का माता पिता का, उनको ये मालूम नहीं है कि आज से 100 वर्ष पहले तो यही पद्धति थी उपदेश जी, जो गुरुकुल पद्धति आज से 100 वर्ष पहले चलती थी उसमें 5-5.5 वर्ष का बच्चा होता था तो जाकर के उसको स्कूल में भर्ती कर दिया जाता था, जब वह युवा हो जाता था उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी तभी घर वापस आता था, ये पद्धति चलती थी। ये सबसे बड़ा कुठाराघात किया है अंग्रेजी लोगों ने, जो हमारी गुरुकुल पद्धति को समाप्त कर दिया, और आज ये शिक्षा की दुर्दशा हो रही, और उन्होंने तो चला करके बिलावन के साथ किया है ये काम कि भारत की संस्कृति कभी पनप पाए नहीं ना, जो पहले जैसी थी, और भारतीय लोग सारे के सारे जो फॉरेन कंट्रीज का ही वो करने लगे कि फॉरेन कंट्रीज ही अच्छी है, और इसलिए तो आज बहुत सारे लोग तो फॉरेन कंट्री में ही जा रहे हैं, ये भारतीय संस्कृति की इन परंपराओं को छोड़कर के, ये धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर के ऐसे आराम में रहने के लिए कितने लाखों लोग तो विदेशों में ही रह रहे हैं भारत के, वो भूल गए कि उनको ये मनु जीवन कितने मुश्किल से मिला है, ये वातावरण, ये जैन धर्म, ये वहां विदेशों में हो रहा है क्या? है भी कहीं एक आध मंदिर तो महीना में 15 दिन में साल में एक आध कोई जाता है कोई फंक्शन वगैरह में, क्या वहां प्रतिदिन दर्शन होता है क्या भगवान का? ऐसा वातावरण चल रहा है, आप लोग बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। सारे दिल्ली वाले एक होकर के आचार्य भगवान के पास अपनी एकता दिखाओ कि आचार्य भगवान हम दिल्ली में क्या करना चाहते हैं, संस्कृति को कैसे बचाना, हमें आप हमें मार्गदर्शन दें। एक बार आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को इस दिल्ली में लेके आ जाओ, दिल्ली वालों इस जैन धर्म को अगले 18,500 वर्ष तक जीवित कैसे रखना है इसकी युक्ति वो बता सकते हैं, और उसके लिए कार्य भी कर सकते हैं, आपके लिए प्रेरणा दे सकते हैं। दिल्ली जैसी राजधानी में कोई काम होगा तो ये बहुत अच्छा काम होगा, और आगे अपनी संस्कृति को बचाने के लिए बहुत अच्छा कदम होगा। शिव चक्र मंडल विधान में जैसे भैया जी ने बताया अब 2-3 दिन ही बचे हैं, संध्या समय में भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ करते हैं, उनमें भी आकर के लोग आप लोग लाभ लें। यहाँ पर मात्र आप लौकिक नाटिकाएं वगैरह ही नहीं दे सकते, ये धार्मिक नाटिकाएं, और यहाँ पर साक्षात श्री जी का आपको दर्शन भी होता है। मात्र घर में आप टीवी में भी कोई धार्मिक कार्यक्रम देख रहे ना, उससे कुछ नहीं होता, मात्र थोड़ा बहुत ही आपका मन लग जाता है, क्योंकि टीवी पे कार्यक्रम कोई भी मनोयोग पूर्वक थोड़ी देखता है, मनोरंजन के लिए देखता है। ध्यान रखना, जैसे फिल्मी गाने सुनते हो ना, ऐसे धार्मिक गाने भी मनोरंजन के लिए सुन लिया करते हो, प्रवचन भी आप बिस्तर में लेटे लेटे बेड पर लेटे लेटे सुन रहे हो, यदि
तो उससे ज्यादा लाभ कुछ नहीं होता। यहाँ पर साक्षात दो बातें भी धर्म की आम मंदिर में आकर के सुन लिया करते हैं या कुछ भी नहीं, श्री जी का आम मात बिंब का दर्शन भी कर लेते हैं तो असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा मात बिंब के दर्शन करने मात्र से हो जाती है, वो घर में कभी नहीं हो सकता। ऐसे ये अवसर आपके लिए प्राप्त हो रहा है साक्षात इस अष्टानिका पर्व में, जो अनादि निधन पर्व है, आपको प्रभु का अभिषेक और आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठ कर के पूजन कर रहे हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। इन दिनों में ये शिक्षा ले लेना, जो लोग कभी नहीं करते हैं पूजन, अब वो मन बना लेना कि अब तो हम रोज करेंगे। यदि पूजन में आपको आनंद आ रहा हो, यदि आपको अच्छा लग रहा हो, तो आपका प्रतिदिन का कर्तव्य है। सभी लोग मानसिकता बनाएं, अब प्रतिदिन हम भगवान की भक्ति आराधना करेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, क्योंकि मात्र आपका सदुपयोग पंच परमेश्वरी की आराधना करते समय ही रहता है, बाकी के समय अशुभ उपयोग आपका रहा करता है और अशुभ उपयोग का फल नरक और त्रयोदशी गति की ही प्राप्ति हुआ करती है। इस बात को समझते हुए आप लोग इस पूजन आराधना का आनंद लें। होली संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की सर्व
पर के जो पवित्र राज में सर्वाने शांति कराए ओम निराम रीम रूम रोम राज यौशा नमः सर्वे शांत सर्व शांति गुरु सर्व दृष्टि गुरु सर्व प्रश्न गुरु गुरु सर्वेषां कामं प्रतीकामं वल्लीकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्नि वायुयां सर्व शत्रुविघ्नां सर्व उपसर्गं सर्व विघ्नां सर्व राज्यभयं सर्व चोर दुष्टभयं सर्व सर्व ऋषिक सिंहादिभयं सर्व ग्रहभयं सर्व दोषं व्याधिं नवरं च सर्व परमंत्रं सर्वाद्गतं वर्गतं च Oh, my God.
मेजबानी अम्बिनी तुम सामे अपना के काटे
ಬೇಕಾದ ಕೋಣೆ ಬೇಕಂದು
सुनो पहले क्या करते हुआ सिद्ध चक्रेंद्र ब्याच दरोगनासन निमित्तम निर्वपांते Thank you.
पवित्रता से बैठो अपने स्थान Thank you.
शरणं चापिते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णाक्षिसं प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोन्नति परं सेवीदृशीनते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते प्रतिवादिनिविखचराट् श्री आदिनाथ भगवान् की जय अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की पूज्य कुमार श्री सदा सागर जी महाराज की यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान अनंतानंद सिद्ध भगवान की आराधना करें निमित्त इस महामंडल विधान की प्रसिद्धि जानते हो किससे हुई थी? एक पात्र हुआ इतिहास में श्रीपाल और मैना सुंदरी का पात्र उन्होंने सिद्ध भगवान की इस प्रकार की आराधना करी कि आज भी हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी लोग जब जब सिद्ध चक्र महामंडल सिद्ध भगवान को याद करते हैं तो श्रीपाल और मैना सुंदरी की याद अपने आप ही आ जाती है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनकी साधना के कारण, जिनके समर्पण के कारण, जिनकी भक्ति के कारण भगवान की भी प्रसिद्धि हो जाती है। सिद्ध भगवान सबसे बड़े हैं, अपने आप में बहुत ऊंचे हैं। वे तो सिद्ध हो चुके हैं, सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो चुके हैं। ना ही उनका रूप है, ना रंग है, ना वर्ण है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना शरीर है, ना आकार है, ना प्रकार है, ना संस्थान है, ना सेना। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम इन आंखों से देख सके। वो कृतकृत हो चुके हैं, अपने अनुभव में आनंद में डूबे हुए हैं, उन आठ गुणों में नितांत मग्न है। उन्हें कोई चिंता नहीं है इस दुनिया की, कोई फिक्र नहीं है दुनिया में रहने वाले जीवों की, वो तो अपने में ही डूबे हुए हैं। लेकिन उनकी प्रसिद्धि यदि आधारित हो जाती है तो भक्त की भक्ति के ऊपर। हम चाहें तो भगवान को बहुत ऊंचा लेकर के जा सकते हैं। जब हम दो वर्ष पूर्व सांगानेर में थे पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के साथ, महाराज जी ने एक दिन प्रवचन में बहुत गजब की बात की। भगवान को ऊंचा ले जाना, मंदिर को ऊंचा ले जाना, क्षेत्र को ऊंचा ले जाना, धर्म को ऊंचा ले जाना, ये भगवान के ऊपर नहीं आधारित है। ये आधारित होता है तो भक्त के ऊपर। भक्त किस प्रकार की भक्ति करता है उसकी भक्ति के द्वारा क्षेत्र का परिचय प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान कृतकृत्य हो चुके हैं, वो अपने आनंद में डूबे हुए हैं। सर्वज्ञ तो व्यवहार से कहे जाते हैं, वो तो आत्मा के हैं, आत्मा का ही आनंद ले रहे हैं। लेकिन भक्त के भीतर वो शक्ति होती है, वो चाहे तो क्षेत्र को बहुत ऊंचा ले जाए, वो चाहे तो क्षेत्र को बहुत नीचा भी लेकर के आ सकता है। आपके भीतर वो शक्ति है, आप चाहो तो जैन धर्म को बहुत ऊंचा ले जा सकते हो, ऊंचाइयां प्रदान कर सकते हो, और चाहो तो आप जैन धर्म का नाम मिट्टी में भी बना सकते हो। आप चाहो तो किसी व्रत की बहुत प्रसिद्धि करा सकते हो, व्रत आपके द्वारा पहचाना जाए। जैसे सिद्ध चक्र का जो पाठ होता है वो श्रीपाल मैना सुंदरी के द्वारा, श्रीपाल भी नहीं विशेष रूप से मैना सुंदरी के द्वारा पहचाना जाता है। जिंदगी इस प्रकार की जीने चाहिए कि मरने के पहले
हम कुछ ऐसा कार्य करके जाएं, उसकी महत्ता बढ़ा करके जाएं, लोग उस चीज को हमारे उस साधना के द्वारा जाने। बहुत ऐसे कम अवसर आते हैं, बहुत ऐसे दुर्लभ जीव होते संसार में जिनके द्वारा उस कार्य की प्रसिद्धि होती है। धर्म तो अनादि अनिधन है, जैन धर्म, लेकिन कुछ ऐसे साधक जन्म ले लेते हैं अपनी साधना के बलबूते पर कि फिर वह उनके नाम से पहचाना जाता है। जब अपन मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण में एक श्लोक आता है, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। आचार्य कुंद कुंद का भगवान का नाम बहुत आदर सम्मान से लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आचार्य कुंद कुंद भगवान के पहले भी आचार्य परमेष्ठी नहीं हुए, बहुत सारे आचार्य परमेष्ठी हुए। धुरंधर आचार्य भगवान हुए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, लेकिन महावीर भगवान के पश्चात गौतम गंधर्व का नाम लिया जाता है और गौतम गंधर्व के पश्चात आचार्य कुंद कुंद भगवान का नाम लिया जाता है। लगभग 500-600 वर्ष के पश्चात की बात है, महावीर भगवान के निर्वाण होने के पश्चात आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ऐसी साधना की, इस प्रकार की चर्या की, इस प्रकार का आचरण किया कि धर्म की प्रसिद्धि उनकी चर्या से हो गई। आज जितने भी मुनि महाराज इस भारतवर्ष में विचरण करते हैं, आचार्य शांति सागर महाराज जी से ले लो, हजारों वर्ष की इतिहास को उठा करके देख लो, हर मुनि महाराज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान की परंपरा में ला करके। क्या कार्य आचार्य कुंद कुंद भगवान ने किया? उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया कि उनके द्वारा आज धर्म पहचाना जा रहा है। हर व्यक्ति की लालसा, हर साधक की लालसा रहती है कि मैं भी उन्हीं के मार्ग पे चल करके उन्हीं की जैसी चर्या कर सकूं। क्या आपको लगता है आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कार्य किया है कि आपके उस कार्य के द्वारा प्रसिद्धि हो जाए आपके किसी व्रत की, किसी क्षेत्र की, किसी विधान की, किसी आचरण की, किसी नियम की? क्या किया है आप लोगों ने जिंदगी में? मैना सुंदरी ने भी भक्ति की थी और आप भी भक्ति कर रहे हैं, कर रहे हैं। कभी लगता है कि फलाने व्यक्ति के नाम से वो पूजा जानी जाती है? पूजा के रचयिता की बात नहीं कर रहे हैं, राइटर की बात नहीं कर रहे हैं। सिद्ध चक्र विधान मैना सुंदरी ने किया था, विधान किसने लिखा इसकी बात जानकी इस बात की जानकारी अपने को भी नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति मैना सुंदरी से जानता है सिद्ध चक्र विधान को, ने कितना उसका समर्पण रहा, कितना उसका अभूतपूर्व अर्पण रहा अपने आप का, अपनी आत्मा का, कैसी उसकी साधना रही, कैसी उसकी भक्ति रही कि लोग उस सिद्ध चक्र विधान को याद नहीं कर रहे, उसके राइटर को याद नहीं कर रहे, सिर्फ उस महिला को याद कर रहे, पात्र को याद कर रहे। जिंदगी में मरने के पहले इस प्रकार का कार्य हर एक व्यक्ति को अवश्य ठान लेना चाहिए, करना चाहिए कि मैं ऐसा कार्य करूं कि मेरे उस कार्य से पहचान हो, तब तो मानना हमने जिंदगी जी है, नहीं तो सिर्फ जीवन को काटा है, समय को काटा है, ढोया है और कुछ नहीं। कितने लोग हैं यहाँ पर जो भक्ति करते, पूजा करते रोज भगवान की? बहुत सारे लोग करते, प्रतिदिन नियम से भगवान के पास आते हैं, आराधना करते हैं। क्या आपकी आराधना करने से उस क्षेत्र का नाम ऊपर हुआ है कि क्षेत्र का नाम नीचे हो गया है? आपके धर्म को पालन करने से क्या धर्म आगे बढ़ा है कि धर्म पीछे हो गया है? आपके पूजा करने के ढंग को देख करके क्या चार लोग धर्म करने से जुड़े हैं कि धर्म से विमुख हुए हैं? थोड़ा सा आज पूछना चाहते हैं, क्यों? पूजा तो रोज करते हो, भक्ति रोज करते हो, आपके तरीकों को देख करके कितने लोग धर्म की ओर आकृष्ट हुए, धर्म से प्रभावित हुए? प्राय ऐसे ही लोग निकलेंगे कि उनके जीवन चरित्र को देख करके, उनकी भक्ति को देख करके बहुत सारे लोग ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे, इससे तो अच्छे हम हैं। धर्म से वो आकृष्ट नहीं बल्कि धर्म से विमुख हुए होंगे। जिस दिन
हमारे तरीके को देख करके, हमारे समर्पण को देख करके चार लोग यदि धर्म से प्रभावित होने लगे तो समझना हम सम्यक दृष्टि है, समझना हम धर्म को पालन कर रहे हैं, धार्मिक है। और जिस दिन हमें देख करके चार लोग धर्म से विमुख होने लगे तो समझना धर्म की प्रभावना नहीं बल्कि हम धर्म की अप्रभावना कर रहे हैं। और सम्यक दृष्टि जीव हमेशा धर्म की प्रभावना करने वाला होता है, धर्म को आगे लेकर के जाने वाला होता है। धर्म को आगे बढ़ाने का काम सिर्फ मुनि महाराज आचार्य भगवान का ही नहीं होता है, प्रभावना हम सिर्फ मुनि महाराज का ही नहीं होता, प्रभावना हम जो है श्रावक का भी होता है। देखो मुनि महाराज से सिद्ध चक्र विधान नहीं जाना जा रहा है, सिद्ध भगवान से सिद्ध चक्र विधान नहीं जाना जा रहा है। किससे पहचाना जा रहा है? मैना सुंदरी से पहचाना जा रहा है। क्या किया था मैना सुंदरी ने इस प्रकार का कार्य कि आज हजारों वर्ष बीतने के पश्चात भी कामदेव तो श्रीपाल थे, श्रीपाल जी मोक्ष गए उसके पश्चात, ऐसे वो भी सिद्ध बन गए, लेकिन सिद्ध चक्र का पाठ श्रीपाल से नहीं मैना सुंदरी से जाना। क्यों? कभी आपके मन में प्रश्न उठा क्यों श्रीपाल से नहीं मैना सुंदरी से? हर व्यक्ति जब भी पाठ का याद करता है, अष्टानिको को याद करता है, एक पक्ष तो हो गया वो देवता लोग जाकर के नंदीश्वर चैतन्य में वंदना करते हैं, और दूसरा पक्ष याद करते हैं उस मैना सुंदरी को याद करते हैं। अभी आपने सोचने की कोशिश की क्यों मैना सुंदरी की याद अपने आप आ जाती है? उसके पीछे कारण है तो उस महिला का समर्पण, उस पात्र की इतनी बड़ी भक्ति, वो सब कुछ खोने को तैयार थी, सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार थी। उसने ऐसा अतिशय प्रकट कर दिया उस भक्ति के माध्यम से कि उसका कोड़ी पति और उसके साथ रहने वाले 700 जीव जिन्हें कुष्ठ रोग था, अभी कुछ नाटक कर रहे थे बच्चे लोग, जानते हो आप लोग किसमें नृत्य कर रहे थे? किसमें नृत्य कर रहे थे बच्चे लोग? मैना सुंदरी के बारे में। मालूम है मैना सुंदरी कौन थी? क्या किया था उसने? क्या जानते हो मैना सुंदरी के बारे में? जो बच्चे और बच्चियां नृत्य कर रहे थे उस भजन के ऊपर, उस मैना सुंदरी ने ऐसे सिद्ध भगवान की आराधना की, ऐसी भक्ति की, और वो भक्ति का प्रताप जो गंधोदक बना और गंधोदक को जैसा छिड़का गया वैसे ही उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। भक्ति होती है तो ऐसी होती है। आप लोग भी रोज भक्ति कर रहे हो, विधान कर रहे हो, ऐसा करते हैं, आज अपने की फोड़े फुंसी में गंधोदक डाल करके देखते हैं आपके द्वारा जब भक्ति की जा रही है कितने लोग ये फोड़े फुंसी ठीक होते देखते हैं। मैना सुंदरी ने गंधोदक बनवाया है उससे तो पूरा शरीर कुष्ठ रोग दूर हो गया, और आप लोग भी मैना सुंदरी बन करके अच्छे से पात्र बन करके कर रहे हो ना, इंद्र बन करके कर रहे हो, हर बार छोड़ करके कर रहे हो, तो आपके भी सारे रोग तो दूर हो जाएंगे। जहां जहां आप उस आशिका को लेकर के जाओगे, जहां जहां उस शेषाक्षत को लेकर के जाओगे, बचे हुए पुष्प को लेकर के जाओगे, जाते भी बचे हुए पुष्प को लेकर के विधान के पश्चात थोड़े से अपने घर में छिड़कते हो कि नहीं बताया? थोड़े से शेषाक्षत जो होते हैं बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है, विधान करने के पश्चात जो पुष्प बचते थोड़े से वो मांगलिक पुष्प माने जाते हैं, उन पुष्पों को ले जाकर के अपने घर में दुकान में छिड़क देना, उससे इधर उधर की बाधाएं दूर हो जाती है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। उससे बड़ी बात शेषाक्षत का इतना बड़ा महत्व होता है, नहीं करते प्रक्रिया को? शेषाक्षत बहुत गजब की चीज है। सुधा संगम पहली बार सुना राजस्थान में, गंधोदक का अतिशय आप लोगों ने सुना, शेषाक्षत का अतिशय महाराज जी कहते घर में कोई विधान विधान करने की आवश्यकता नहीं होती, घर के को यदि शुद्धि करना है, घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरना है, उसके वातावरण को प्रशस्त करना है, तो जिन अष्ट द्रव्यों से आप पूजा करते हो, जिन पुष्पों को आप चढ़ाते हो पीले पुष्प, विधान के पश्चात जो बच्चे रहे थोड़े से लेकर के जाना अपने अपने थाली में और पूरे घर में छिड़क देना, बहुत मांगलिक माने जाते हैं, बशर्ते वो पुष्प आपके अपने हैं और किसी के होते पता नहीं। शेषाक्षत एक बहुत अच्छी प्रक्रिया होती है। आप तो क्या है, किसके चढ़ा रहे मंदिर के? पूजा कर किसके पुष्प चढ़ा रहे आप? मंदिर वाले, मंदिर वाले चावल, मंदिर वाली बादाम,
आपको यदि याद हो कभी हमने कहा था, चलो एक प्रश्न और पूछ लेते हैं महिला वर्ग से। घर में वैसे तो सब बड़े बड़े लोग हैं, ऋषभ विहार भी कोई छोटा तो है नहीं, खाते तो अच्छे से होंगे, मिष्ठान भी बनते होंगे, खीर भी बनती होगी आपके घर में? कभी नहीं बनती, खाते खीर? बनती खीर कभी? नहीं बनी कभी। तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी यूज करते हैं खीर में? नहीं डालते उसमें ड्राई फ्रूट्स? नहीं डालते पिस्ता, बादाम? अच्छा कौन सी बादाम डालते? ये वाली बादाम डालते चढ़ा? नहीं ये चढ़ा रहे वाली बादाम डालते? गिरी गिरी गिरी। ये वाली क्यों नहीं चढ़ाते? खिड़की खीर में क्यों डालते ये वाली? अच्छा ये कड़वी होती है, तो कड़वी बादाम भगवान के चरणों में और खाने के लिए ममरा बादाम? हमें बात तो समझ में नहीं आई क्यों भाई? खाने के लिए तो ममरा बादाम, चढ़ाने के लिए कड़वी बादाम? अच्छा महाराज जी वो तो माली की पूजा स्पिरिट पे जाती है ना इस कारण, ठीक है ना? तो माली के पास जाती है इस कारण, तो कड़वी भी चढ़ा दो, इधर भी चढ़ा दो, टूटी भी चढ़ा दो, पुराने भी चढ़ा दो, सब चलता है। जब खाना है तब तो अपने पेट में जाएगी तो उसका फल अलग मिलेगा, जब भगवान के चरणों में चढ़ाना है तो कुछ भी चढ़ा दो। ऐसे इसका अर्थ आप इन भगवान नहीं मानते, बिल्कुल सत्य कह रहे। अच्छा फल कैसा मिलेगा? मीठा ही कड़वा? उसका जो बीज है वो अलग हो रहा है, उसका जो आवरण है कवर है वो अलग होता है। ऐसे ही भेद विज्ञान हमें अपने भीतर लेकर के आना है कि हमारी हमारा जो शरीर है वो बादाम के छिलके की भांति जो कठोर आवरण है, और हमारे शरीर के भीतर रहने वाला आत्म तत्व जो उस बीज की भांति है, गिरी की भांति होता है, उस दृष्टि से ये वाली बादाम चलाई जाती है। भेद विज्ञान का प्रतीक है प्राय जो परंपरा चल करती हुई आई उस दृष्टि से। पर जब दृष्टि मोक्ष फल की प्राप्ति की है, मोक्ष फल सबसे मीठा फल है, और आप चढ़ा कड़वा रहे भगवान के चरणों में 150 रुपए 250 रुपए किलो वाली बादाम, और अपने पेट में 2500-3000 किलो वाली बादाम, इट्स वेरी अनफेयर, ठीक है कि नहीं? स्वयं के पेट के लिए, उत्तम क्वालिटी के भगवान के चरणों के लिए होना तो ये चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके घर में आपके कुंवर साहब आते हैं, कुंवर साहब जानते हैं दमान बोलते हैं, जमाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जमाई भी बोलते हैं, दमान भी बोलते हैं। तो जो भोजन आप रोज करते हैं वही भोजन उनको खिलाते हैं, उससे और इंफीरियर खिलाते हैं, उससे भी गया भी तक खिलाते हो? अच्छा वहां ना सुपीरियर खिलाते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला खिलाते हो ना? क्यों कि जो रोज खाते हो दाल रोटी सब्जी वही स्पेशल कुछ डिश बनती होगी, कुछ स्वीट डिश बनती होगी, कुछ नमकीन होता होगा, क्यों ऐसा क्यों होता है? वो आपके अतिथि। अच्छा भगवान कुंवर साहब से बड़े नहीं? भगवान कुंवर साहब से बड़े कि छोटे? बड़े बड़े। तो उन वो तो तीन लोग के नाम है, तो फिर उनके लिए क्या अर्पण करना चाहिए? जो आप रोज खाते हो आप कुंवर साहब को उससे अच्छा खिलाने की कोशिश करते हो। यदि आपकी कैपेसिटी नहीं भी है तो भी आप जुगाड़ करके व्यवस्था करके कुछ इस प्रकार का करते हो कि अच्छे से अच्छा उसे खिलाएं, प्रसन्नता प्राप्त कर सके। तो भगवान तो उनसे ही बड़े होते होते हैं ना, फिर उनके चरणों में क्या अर्पित करना चाहिए? जो आप खा रहे हो उससे और बढ़ करके कि कम घटिया वाला? तो खाने में तो एक नंबर A1 क्वालिटी का, और चढ़ाने में पूजन वाले चावल दे दो, पूजन वाले चावल दे दो, पूजन वाले बादाम दे दो, पूजन वाले नारियल दे दो, पूजन वाले चिटक दे दो, पूजन वाले क्यों? क्यों उस मैना सुंदरी के द्वारा वो अतिशय प्रकट हुआ, हम ये जानना चाह रहे हैं।
चूंकि आप विधान कर रहे हैं सिद्ध चक्र, कुछ लोग हमारे पास आए बोले महाराज जी बहुत धुलाई हो रही है 3 दिन से, थोड़ा सा धुलाई कम हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा टॉपिक बदल देना, बोले थोड़ा सा बोले हम विधान कर रहे हैं इस बारे में थोड़ा बता देना, थोड़ा सा हमको भी अच्छा लगेगा, ठीक है हम धुलाई नहीं करते ना, ठीक है। अब बात मैना सुंदरी की चल रही थी, चल मैना सुंदरी को लेकर के कुछ बता कोई दूसरा कारण नहीं किया था। जो पूजा आप कर रहे हैं जैसे गुणों का अनुवाद गुणानुवाद आप कर रहे हैं, जैसे गुणों का स्मरण कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, बिल्कुल यही कार्य मैना सुंदरी ने किया था। और ऐसे ही समूह में बैठ करके सारे सारे लोग मिलकर के परिवार से सहित बैठ करके आराधना की थी, और आप भी यही कर रहे हो, लेकिन उसे क्या फल मिला और आपको क्या फल मिल रहा, आज बस उसका कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, समझ में तो आना चाहिए आखिर। जब मेहनत पूरी चल रही है कि नहीं, आप अपना घर छोड़ रहे हो, अपनी दुकान छोड़ रहे हो, भोजन भी छोड़ रहे हो, छोड़ा है ना भोजन, शाम का भोजन छोड़ा है कुछ लोगों ने, रात में पानी भी छोड़ा है कुछ लोगों ने, यानी कुछ तपस्या भी चल रही है, कुछ त्याग भी चल रहा है, कुछ ममता आसक्ति के परिणाम भी छूट रहे हैं, और शारीरिक कष्ट भी सहन हो रहा है थोड़ा सा, और सब कुछ सहन भी हो रहा है, भक्ति भी चल रही है, जब इतना चल रहा है तो फल भी तो मिलना चाहिए, तो अपन वही देख ले फल मिल रहा है कि नहीं। अब मैना सुंदरी को वो फल मिला, आपको कौन सा फल मिल रहा है, कड़वा की मीठा, हमारे जी कड़वी बादाम चढ़ा रहे हैं तो बदला ही थोड़ा सा। एक तरह कुंवर साहब आते हैं आप उनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा बना करके सर्व करते हो, और एक तरफ 3 लोग के नाथ हैं उनके लिए क्या सर्व करते हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, ना ही इस बादाम की, ना ही आपके श्रीफल की, ना ही चावल की, ये जो द्रव्य की सामग्री है इसलिए चढ़ाई जाती है, हमारा समर्पण कितना है बस समर्पण की परीक्षा के लिए, हमारी भक्ति कितनी है बस उस भक्ति को जांचने के लिए, परखने के लिए, ये दृष्टि नहीं रखना कि उसके पेट में चले जाएगा उसके पास चले जाएगा, दृष्टि तो यहाँ पर, यदि आप ये दृष्टि रख करके चढ़ा रहे हैं इसका मतलब है आप भगवान को अर्पण कर ही नहीं रहे, आप पूजा कर ही नहीं रहे, क्योंकि पूजा जो होती है पूजा की परिभाषा ही होती है जहां पवित्रता कुछ प्राप्त हो उसका नाम पूजा है, जहां अनुराग हो भक्ति से, अनुराग हो भगवान से उसका नाम भक्ति कहलाती है, भाव शुद्धि युक्त अनुराग हो विधि भक्ति पूज्य पुरुष अर्हत सिद्ध आचार आदि से भक्ति की परिभाषा यह कहलाती है, क्योंकि समर्पण होता तब है जब अनुराग होता है, आपका अनुराग आपके दामाद से रहता है, रहता है राधा, उससे ज्यादा अनुराग आपको अपनी बेटी से रहता है, अब चूंकि बेटी से दामाद जुड़े हैं तो फिर आपको दामाद से अनुराग करना पड़ता है, ठीक है, चेन वो चेन चल रही है, आपका लगाव किससे है, सही मायने में आपका लगाव आपकी बेटी से, दामाद से नहीं है। अब आप ये देखते कि मेरी बेटी कैसे खुश रहेगी, यदि बेटी को खुश रहना है तो दामाद को भी खुश करना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट है, दामाद के लिए जो बनाया जा रहा है वो इनडायरेक्ट चल रहा है, आपके बैक ऑफ माइंड में क्या है, बेटी को अच्छा रखना है, सही सी बता रहे हैं आप, आपकी दृष्टि में ये नहीं कि दामाद को अच्छा खिलाना है, जितनी माता राम बैठी है सही सही बताना, आपकी दृष्टि कहाँ रहती है, बेटी की प्रसन्नता की खुशी की, बेटी की खुशियों की रहती है, वो तो दामाद तो निमित्त है, पहले वो आते तो उनको दामाद को पूछना पड़ता है, गलत तो नहीं कह रहे, क्यों उपदेश जी अभी बेटी की शादी नहीं तो बोले महाराज जी पता नहीं हमें, अच्छा सही बता रहे हैं, जितने भी माता पिता हैं सबकी दृष्टि अपनी बेटी की खुशी की तरफ रहती है कि बेटी कैसे अच्छे से रह सके, अब चूंकि बेटी की खुशी कैसे मिलेगी जब दामाद खुश रहेगा, तो दामाद खुश कैसे होंगे तो उसकी अच्छी हाव भगत होगी, ठीक है ना, कारण तो ये ही नहीं है, तो आपका अनुराग अपनी बेटी से हम ये कहना चाह रहे हैं, जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक कुछ समर्पण नहीं होगा, आप सब कुछ तैयार हो जाते हो देने के लिए,
कि अच्छे से अच्छा भोजन देते हो, कपड़े देते हो, ज्वेलरी देते हो। दिल्ली में तो ट्रेंड, जब हमने सुना कि महाराज दिल्ली में जितने बार भी फंक्शन आते हैं, त्योहार आते हैं, तो बेचारे बेटी के माता पिता को देना ही पड़ता था। क्या सिंधारा क्या होता है? बोले बेटी की शादी क्या हुई, बोले होली आई तो देना है, दिवाली आई तो देना है, बेचारी बेटी नहीं है, रक्षाबंधन है तो देना है। बोले और एक साल नहीं, हर साल देते ही रहना है, देते हर साल देते रहते तो हर साल देते रहते, क्यों दे रहे हो, क्यों अर्पण कर रहे हो? महत्व आप वस्तु का नहीं समझना। महत्व क्या है? महत्व जो है इंपॉर्टेंट चीज है, आपका अनुराग आपकी बेटी के प्रति है। तो जहां अनुराग होता है वही व्यक्ति को समर्पित कर सकता है। इस कारण आचार्य भगवान ने भक्ति की परिभाषा ही ऐसी बनाई है कि भाव शुद्ध युक्त अनुराग पूज्य पुरुषेषु इति भक्ति। यानी जब तक अनुराग भीतर से नहीं होगा उन पूज्य पुरुषों में, यानी अरिहंत भगवान में, सिद्ध परमेष्टि में, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि में, जब तक वह अंदर की ललक नहीं होगी, अंदर की भावना नहीं होगी, व्यक्ति को समर्पित कर ही नहीं सकता, कुछ अर्पित कर ही नहीं सकता, चरणों में चढ़ा ही नहीं सकता। ये चरणों में द्रव्य चढ़ाना ये क्रिया है, क्रिया का फल है, उसके पीछे कारण क्या है, ये इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है, कारण नहीं है। कारण क्या है? कारण है अनुराग। और जहां अनुराग होता है व्यक्ति अच्छे से अच्छा अर्पित करने की सोचता है, होता है कि नहीं? तो आप क्या चढ़ा रहे हैं? ये पूजा की बदाम है, ये पूजा की सामग्री है। इसका मतलब है अभी आपकी दृष्टि में वो अनुराग नहीं है भगवान से, अभी तो आपकी दृष्टि में कुछ चढ़ाना ये दिख रहा है, अभी आपने कारण को नहीं पकड़ा। और जब तक कारण को नहीं पकड़ोगे तब तक कोई अतिशय प्रकट नहीं होगा, तब तक आपके धर्म करने से कुछ भी वो धर्म की प्रसिद्धि नहीं होगी, धर्म की प्रभावना नहीं होगी, क्षेत्र की प्रभावना नहीं होगी, सिद्ध भगवान को आपसे कोई नहीं जानेगा। अरे जिंदगी तो ऐसी होना चाहिए कि हम सिद्ध भगवान से नहीं, सिद्ध भगवान हमसे जाने जाए, जैसे हम मैना सुंदरी ने किया था। सिद्ध भगवान जब भी सिद्ध भगवान का नाम लिया जाता तो मैना सुंदरी का नाम पहले आ जाता है। कितना छोटा पात्र देखना, कहां तो सिद्ध परमेष्टि सबसे ऊंचे, मैना सुंदरी महिला की भूमिका में जो भगवान में नहीं बन सकती है, कहां तो सिद्ध परमेष्टि सबसे ऊंची पायदान पे बैठे हैं और कहां वो महिला बने। ठीक है यदि आपको सोने का डर लगता है, चांदी के बर्तन तो ला सकते, भव्य से भव्य सजा करके सब मंदिर की थाली लेकर के बैठ जाते हैं, मंदिर की द्रव्य लेकर के बैठ जाते हैं, मंदिर की बादाम लेकर के बैठ जाते हैं। वैसे इस बार चांदी की बादाम चढ़ाई जा रही है, अच्छी लगी तो अच्छी है। किसको भी आशंका तो नहीं कि चांदी की बादाम क्यों चढ़ाई जा रही है, आज तक हम जो चढ़ाते आ रहे थे गलत था क्या? क्योंकि ऐसा प्रश्न आया था हमारे पास, महाराज जी को ये वाली बादाम चढ़ा रहे थे, आज तक हमने ठीक किया कि नहीं किया, पूजा नहीं की क्या? प्रश्न बादाम का नहीं है, प्रश्न भावों का है। और भावों को प्रदर्शित करने के लिए द्रव्य एक माध्यम, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक मीडियम है हमारे भक्ति को पहचानने का, हमारे समर्पण को पहचानने का। जिस दिन हमारे मन में वह समर्पण जागृत हो जाए, बस उसी क्षण से वो अतिशय प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। वो अतिशय के लिए पंचम काल अथवा चौथे काल से कुछ लेना देना नहीं होता। ये मत समझना अतिशय पंचम काल में ही घटित होता है, ये चौथे काल में ही घटित होता है, अतिशय तो आज भी घटित हो सकता है, बसरते हमारे भाव वैसे हो जाए। इस पंचम काल की घटनाएं हैं, शिखर जी की जब वंदना करने जाते थे छोटे छोटे दो भाई देवपद और खेवपद नाम था, खाने के लिए नहीं था, मक्के के दाने के बाजरे के दाने को चढ़ाते थे वही खाते थे टूखा सूखा, और वही हीरे मोती बन गए थे। पंचम काल की घटना बता रहे हैं, सत्य घटना शिखर जी की, समय शिखर जी की सुनिए घटना, पता सबको? नहीं पता? नहीं पता? यदि आप ललितपुर के पास जाएंगे, देवगढ़ एक क्षेत्र है, वही देवगढ़ का क्षेत्र उन्हीं देवगत पद के ऊपर ने बनवाया, इतनी प्रतिमा है वहां पे, इतनी प्रतिमा है, एक बोरी चावल लेकर के जाओ बोरी समाप्त हो जाएगी लेकिन प्रतिमाओं के दर्शन पूरे नहीं हो पाएंगे, इतनी प्रतिमाएं, और एक एक मूर्ति के समान एक एक दाना भी चढ़ाओगे तो एक पूरी चावल समाप्त हो जाएंगे। इस कारण उसका नाम ही देवगढ़ पड़ गया, वहां देव गढ़े जाते थे, देवता की मूर्तियां रहती थी, वो भी बहुत विचित्र घटना है।
समय है नहीं इतना कि उस घटना को सुनाते, शॉर्ट में सुना देते बहुत। तो वे भाई थे देवपत और खेवपत, बहुत गरीब थे, सेठ क्या नौकरी करते थे। कुछ इस प्रकार का घटनाक्रम घटित हुआ कि पहले तो लोग जब यात्रा करने जाते थे समय से कर ही, तो हर एक के पास तो क्षमता होती नहीं थी, ना ही साधन होते थे गाड़ी। तो पहले लोग मिलकर के, समाज के लोग मिलकर के, एक सेठ होता था पूरे नाव लश्कर के साथ, घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी और उसके सेवक पूरे जाते थे। सेठ जाता था तो उसके साथ रहने वाले कई लोगों की यात्रा हो जाती थी। सेठ यात्रा करने जा रहा था तो उन दोनों भाइयों के मन में भी इच्छा की हमने भी समय शिखर जी की यात्रा करना है। तो सेठ के पास पहुंचते हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमने सुना आप जो यात्रा करने जा रहे हैं तो हम चल सकते हैं। सेठ ने बोला चल तो सकते, क्या करोगे वहां पे? बोले हम आप जो बोलो हम वो काम कर देंगे। बोले ठीक है, तो ऐसा करना तुम्हारा काम रहेगा भोजन बनाने का। तो भोजन बनाने के साथ लेकर के वो उनकी यात्रा में काफिले में शामिल हुए। और महीनों लगते थे पहले यात्रा करने, महीनों यात्रा करने के बाद समय शिखर जी पहुंचते हैं। तब उनका तो कार्य था सबके लिए भोजन बनाना, बेचारे भोजन बनाने में लग जाते, लेकिन भावना तीव्र थी समय शिखर जी की वंदना करना है। वो क्या करते, सवेरे से लेकर शाम तक सबको भोजन कराते थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा करें, अपन रात में चले भोजन कराने के पश्चात। तो दोनों भाई सबको भोजन कराने के पश्चात रात में यात्रा करने के लिए चढ़ते थे। पहली बार समय शिखर जी आए हैं, हमारे पास क्षमता तो है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अर्पण तो अवश्य है। जो हमारे पास होगा वो चढ़ाएंगे। तो रात को चढ़ना शुरू करते थे, बाजरे के और मक्के के दाने वो फट्टी सी थैली में लेकर के जाते थे, मुट्ठी भर चढ़ा करके हर टोक में उतर करके सवेरे होने से पहले ही उतर करके आ जाते, क्योंकि सवेरे तो सेठ जी को यात्रा करने जाना है। सेठ जी सवेरे चढ़ने के लिए प्रारंभ करते हैं, जैसे ही पहली टोक पे पहुंचते हैं देखते क्या है, यहाँ तो बहुत सारे मोती चमक रहे, ऐसे हीरा पन्ना आदि चमक रहे। सेठ जी पूछते मैं तो यहाँ का सबसे बड़ा सेठ हूँ, उससे पहले यात्रा करने कौन आ गया, वंदना करने कौन आ गया। पूरे लोग से इंक्वायरी की जाती है, पर कुछ बताया जाता है कौन आया, तो बोलते कोई आया नहीं सेठ जी, आप ही सबसे पहले आए, कोई नहीं आया, हो सकता है किसी चढ़ा के दिया। दूसरे दिन फिर रात होती है तो वो बच्चे उनको चस्का लग जाता है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, वो फिर पहुंच जाते हैं, रात में जाते हैं यात्रा करते हैं, उठी मुट्ठी पर वो चढ़ाते हैं वापस सब लौट के। दूसरे दिन सेठ जी देखते हैं अरे फिर से चढ़े हैं, और उन मोतियों को रत्नों को उठाकर देखते हैं और अपनी थाली के रत्न को उठाकर देखते हैं, तो उनके सामने तो कुछ है ही नहीं, वैल्यू ही नहीं, ऐसा लग रहा साक्षात देवता लोग आकर। फिर इंक्वायरी करते दो दिन चार दिन हफ्ता भर बीत जाता, पर समझ नहीं पाते आखिर कौन है, मेरे से बड़ा सेठ कौन आ गया जिसने मणकीर्ति रत्न को चढ़ाना है। फिर पता लगाते हैं, पता चलता है कि वो दो बच्चे देवपत और खेवपत नाम के रात को चले जाते हैं। तो सेठ जी बोले उनके पास उनको बुलाया जाता है, तुम रत्न कहाँ से चोरी करके लाए, कहाँ से मिले? सेठ जी हमारे पास रत्न कहाँ है, सब यात्रा करने जाता हूँ ले, वो तो हम सवेरे से शाम तक भोजन बनाते हैं, सोचा रात में कोई रहता नहीं तो हमें जल्दी से यात्रा करा के आ जाए, वंदना कर लिया जाए। और कुछ चढ़ाते हैं लोगों पे? बोले हमारे पास क्या है चढ़ाने के लिए, हमारे पास तो वही मक्के और बाजरे के दाने वही चढ़ा देते हैं, थोड़े झूठ को बोल रहे थे, जरूर तुम कहीं ना कहीं से चोरी करके कुछ कर लाते हो। नहीं, बोले यदि ऐसा है तो चलो मेरे साथ। तो ठीक है, वो सेठ जी के साथ में लेकर के जाते हैं वंदना करने के लिए, उनसे कहते हैं अच्छा जो आप चढ़ाते चढ़ाओ। वो चढ़ाते हैं भक्ति भाव से, जैसे ही वो चढ़ाते हैं वो बाजरे मक्के के दाने रत्नों में कन्वर्ट हो जाते हैं। उनकी क्षमता कितनी थी, उनके भाव कितने थे, बस सेठ जी जैसे ही देखता है पानी पानी हो जाता है। संयोग से उसे कोई औलाद नहीं थी सेठ जी, बस उनके चरणों में गिर पड़ता है, बोले आज से तुम ही मेरी औलाद है, बस सारी संपत्ति उनके चरणों में समर्पित कर देते दोनों बच्चों के चरणों में। और वो बच्चे भी जैसे गजब के बच्चे, वो ही बच्चे जब यात्रा करके लौटते हैं तो उस संपत्ति का उपयोग उन्होंने एक क्षेत्र का निर्माण कराया और वो क्षेत्र देवगढ़ क्षेत्र कहलाता है। आज भी ललितपुर के पास वो देवगढ़ क्षेत्र है, हजारों में कितनी संख्या में वहां मूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं।
पंचम काल की घटना है। महत्व आप चावल चढ़ा रहे हो, बादाम चढ़ा रहे हो, बाजरा चढ़ा रहे हो, मोठ चढ़ा रहे हो, मक्का चढ़ा रहे हो, उसका नहीं। आप क्या समझ करके क्या समर्पित कर रहे हो, ये है उसका महत्व है। क्या आपका अनुराग है जैसा अनुराग उन देवपद के उपद का था, क्या आपका अनुराग है जैसा अनुराग वो मैना सुंदरी का था। अतिशय सामग्री में नहीं, अतिशय विधान में नहीं है, अतिशय आपकी भावना में। और भावना जन्म लेती है उस अनुराग से। बताओ जितने लोग सत्य चक्र पाठ में बैठे हैं, कितने लोगों का अनुराग सिद्ध भगवान से वैसा है। जब अनुराग होगा तो आप ये कड़वा सा छोटा सा आयन नहीं चढ़ा पाओगे। वो आप कहोगे महाराज जी जब बाजरे के दाने मोती में बदल सकते हैं, तो उनकी क्षमता ही नहीं थी। उनकी क्षमता जितनी थी उससे भी काट करके वो बचा करके चढ़ा रहे थे। तो आप लोगों की क्षमता तो ऐसा नहीं है, कितनी ही है। तो संसार के विषयों के भोग की बात आती है तो वहां बढ़ चढ़ करके है ना, और जब भगवान के चरणों में चढ़ाने की बात आती है महाराज जी मालिक के पेट में तो जाएगा। इसका मतलब है आपने भी भगवान को भगवान नहीं समझा। समय हो रहा है, समझ में आ रही बात नहीं समझ में आ रही। हाँ तो कार्य ऐसा करो, नियम लो जिंदगी में मरने के पहले, इस प्रकार की भक्ति करेंगे, इस प्रकार का व्रत करेंगे, इस प्रकार का उपवास करेंगे, इस प्रकार की कोई तपस्या करेंगे, इस प्रकार का कोई विधान करेंगे, इस प्रकार का कोई भी जीवन में कार्य करेंगे कि हमारे कार्य से वह कार्य पहचाना जाए, उसकी प्रसिद्धि हो जाए, तो समझना जिंदगी में कुछ किया है। नहीं तो सिर्फ ऐसा ही चलते रहेगा। मैं सुंदरी बनकर के अन्न पात्र बनकर कर रहा हूं ना, बस भावना उसकी पात्र की लेकर के आ जाओ तो कल्याण हो जाएगा। ये मत समझना हम तो बेसमेंट में बैठ करके कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, इससे क्या होगा। पंचम काल में है सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान तो हमेशा सिद्धालय में रहेंगे। जब मैना सुंदरी ने विधान किया था उसे भी सिद्ध भगवान नजर नहीं आ रहे थे, याद रखना। ये मत समझना चौथे काल की घटना तो वो भी सिद्ध भगवान को देख रही थी, उसे भी कोई नजर नहीं आ रहे थे। वो तो श्रद्धा की अश्रद्धा की आंखों से समर्पित होकर वो चढ़ा रही थी, दिख रही थी। थोड़ा सा अपने भीतर उस समर्पण को लेकर के आना सीखो, उस भक्ति को लेकर के आना सीखो। आ जाओगे लेकर के, देखना साक्षात उन गुणों की ओर दृष्टि लेकर के आओ भगवान के, फिर आनंद आएगा। तब लगेगा कि सत्य चक्र का पाठ कर रहे हैं, नहीं तो फिर एक नाटक के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। बस इतना ही कहना है, आप लोग सही में इस भक्ति का आनंद लो, उस समर्पण को अनुराग को लेकर के आओ तो आपको बहुत आनंद आएगा। कुलियाचार परमेश्वर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज कर्म विनाश का है। कल
ओम नमः शिवाय सिद्ध परमेश्वर मार्ग
दर्शन के अनादि सार भगवान Yeah.
चैनल जैन धर्म का उद्घोष।